पटना विमेंस कॉलेज के आसपास अगर आपको एक लड़की चाय का ठेला लगाए नजर आए तो हैरान मत होइएगा। दरअसल 24 वर्षीय प्रियंका गुप्ता कोई आम चाय वाली नहीं बल्कि एक ग्रेजुएट चाय बेचने वाली हैं। प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है। पूर्णिया की रहने वाली प्रियंका गुप्ता इन दिनों पटना विमेंस कॉलेज के पास ठेला लगाकर चाय बेचती हैं। इसकी वजह यह है कि प्रियंका पिछले 2 साल से लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही हैं, जिसमें बैंक की प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल है, लेकिन वो परीक्षा में पास होने में असफल रही हैं। इसलिए उन्होंने अपने घर लौटने के बदले पटना में ही चाय का ठेला लगाकर रोजी रोटी कमाने का प्लान किया। हाल ही में 11 अप्रैल को प्रियंका ने चाय बेचने का काम शुरू किया है। प्रियंका बताती हैं कि अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट होने के बावजूद उन्हें पटना में चाय की दुकान लगाने में कोई झिझक नहीं होती। वो मानती हैं कि उनका ये काम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कदम है। अगर आप प्रियंका की चाय की दुकान पर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ किस्म किस्म की चाय मिल सकती हैं, जैसे कि कुल्हड़ वाली चाय, मसाला चाय, पान चाय और चॉकलेट चाय। और खास बात ये कि एक कप चाय की कीमत मात्र 15 से 20 रुपए है। एक और खास बात है और वो ये कि प्रियंका ने पटना विमेंस कॉलेज के बाहर अपनी दुकान खोली है, तो स्टूडेंट्स ही उनके मुख्य ग्राहक हैं। प्रियंका अहमदाबाद में चाय की दुकान चलाने वाले प्रफुल्ल बिलोर को अपना आदर्श मानती हैं, जिन्होंने MBA करने के बावजूद चाय की दुकान की शुरुआत की और आज उनकी दुकान एक बड़े कारोबार में बदल चुकी है। अपने ग्राहकों को चाय की दुकान पर लाने के लिए प्रियंका भी प्रफुल्ल की तरह ही दिलचस्प पंचलाइन का इस्तेमाल करती हैं, जैसे पीना ही पड़ेगा और सोच मत चालू कर दे बस। प्रियंका ने कहा कि वो प्रफुल्ल को अपना आदर्श मानती हैं और उनकी वीडियो देखकर ही उन्हें प्रेरणा मिली। MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरे। प्रियंका ने बताया कि जब उनको जानने वाले लोगों को पता चला कि वो पटना में एक चाय का ठेला लगाने जा रही हैं, तो उनको कई तरह से हतोत्साहित करने की कोशिश की गई, मगर वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश कर रही हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए आज तक।